रतनपुर पुलिस महिला संबंधी अपराधों पर गंभीरता से कार्य कर रही है, जो धरातल पर नजर भी आ रहा है। ऐसे ही एक छेड़छाड़ के मामले में रतनपुर पुलिस थाना प्रभारी हरविंदर सिंह के नेतृत्व में महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को बाइक के नंबर के आधार पर गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आपको बता दें, 15 जून की शाम रतनपुर थाना क्षेत्र निवासी महिला दिशा मैदान के लिए तालाब की ओर गई थी। इसी दौरान आरोपी युवक बदनीयती से महिला का रास्ता रोककर हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। युवक की इस हरकत का महिला ने आक्रामक तरीके से विरोध कर मदद के लिए लोगों को बुलाया। महिला के आक्रामक विरोध और शोरगुल से डरकर आरोपी युवक भाग गया। शोरगुल के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने घटना की सूचना 112 को दी। घटना की सूचना पर 112 में पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। मौके पर एक बाइक मिली, जिसे पीड़ित महिला ने आरोपी का होना बताया। 112 वाहन में पीड़ित महिला को थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने महिला के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस ने छेड़छाड़ का अपराध दर्ज कर आरोपी युवक की खोजबीन में जुट गई। बरामद बाइक के आधार पर आरोपी युवक की पहचान बसिया हरदी निवासी सुमित साहू के रूप में हुई, जो वर्तमान में लारी पारा में रहकर नल फिटिंग का काम करता है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। या हमारे लक्ष्मी देवी मंदिर के नीचे रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो सोच के लिए गई हुई थी, तब एक आदमी मोटरसाइकिल में आके उसके साथ बदतमीजी करने लगा और उसकी इज्जत लूटने के प्रयास से किया और उसके साथ में मारपीट भी किया, जिस पर से 354 का अपराध कायम किया गया और मोटरसाइकिल के आधार पर आरोपी को आज कोटा से पकड़ लिया गया है। सुनील साहू को भी अब रक्षा में लेके जेल भेजा जा रहा है। रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट।